दोस्तों, आज मैं आपको दिल को छू लेने वाली बाप और बेटे की एक कहानी सुनाता हूँ। एक बेटा कॉलेज से बड़े गुस्से में अपने घर आता है और अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी, इस बर्थडे में मुझे एक नई बाइक चाहिए। पिताजी बोलते हैं, पहले से ही बहुत कर्जा लिया हुआ है, मैं तुम्हें अगले कुछ महीनों में एक नई बाइक दिला दूंगा, लेकिन इस महीने बाइक दिलाना बहुत मुश्किल है। बेटा कुछ बड़बड़ाते हुए घर से बाहर दौड़ जाता है। बेटा बोलता है, खुद के स्कूटर लेने के लिए तो पता नहीं कहाँ से पैसे आ जाते हैं और मुझे एक बाइक तक नहीं दिला सकते। ऐसा कहते हुए जब वो कुछ दूर आ जाता है, तब उसके पैर में थोड़ी चुभन सी महसूस होती है। इतने में वह देखता है कि वह अपने पिताजी के जूते पहनकर आ गया है और सोचने लगता है, काश मैं अपने नए जूते पहनकर आ गया होता। वह थोड़ा और दूर जाता है और जेब में हाथ डालता है, तब उसे पता चलता है कि वह अपने पिताजी का पर्स भी साथ में लेके आ गया है। उस पर्स में उसके पिताजी की एक पर्सनल डायरी होती है, जिसे वो किसी को भी नहीं दिखाते। तब वह बेटा सोचता है, मिल गया खजाना, अब पता चल जाएगा कि पिताजी कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं, कहाँ कहाँ से उनको पैसे लेने हैं। इस डायरी में लिखा होगा कि वह अपने लिए और क्या क्या चीज़ लेने वाले हैं। लेकिन जब वो डायरी खोलकर देखता है, तब उसका गुस्सा अचानक गायब सा हो जाता है। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, 30,000 कंप्यूटर वाले को देना है, 2,000 जूते वाले को देना है। उसने सोचा कि पिताजी तो कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं और पिताजी ने नए जूते भी नहीं लिए हैं। तब उसे समझ में आ गया, यह सब तो उन्होंने उसको दिलवाया था और अभी तक पिताजी ने उन चीज़ों के पैसे दिए भी नहीं हैं। जब उसने डायरी का अगला पन्ना पलटा, तब उसने देखा कि उसकी बाइक खरीदने का डेट भी उस डायरी में लिखा था। तब उसे समझ में आया कि अभी पिताजी पर पहले ही इतना कर्जा है और अभी 50,000 की बाइक का खर्चा पिताजी कैसे उठा सकते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। उसने डायरी के कुछ और पन्ने पलटे। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मेरे कुछ शौक। पहले नंबर पर लिखा था, नए जूते पहनना, और दूसरे नंबर पर लिखा था, बुलेट चलाना। अब उस बेटे से रहा नहीं गया। रो रो कर उस बेटे का बुरा हाल हो गया था। वह दौड़ते हुए वापस घर की तरफ गया। घर पहुंचकर उसने देखा, पिताजी अपने कमरे में बैठकर रो रहे थे। वह पिताजी के पैरों के पास बैठ गया। पिताजी अचानक उठ खड़े हुए और अपने आंसू पूछते हुए उन्होंने बेटे से बोला, बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी बाइक दिलवा दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बेटे ने अपने पिताजी के आंसू पूछते हुए कहा। पिताजी, आप और माँ ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार हो। मैंने आज तक आप दोनों को जितनी भी परेशानियाँ दी हैं, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो। अब मुझे समझ में आया कि आप हमसे अपनी डायरी क्यों छुपा कर रखते थे। मेरी पढ़ाई पूरे होते ही मैं नौकरी की तलाश करूंगा और आप दोनों के सपनों को पूरा करूंगा। आज के बाद मैं आप दोनों को बेवजह परेशान नहीं करूंगा। याद रखना दोस्तों, नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। जिद भी पूरी होती है अगर पिता का साथ होता है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, कभी भी अपने पिताजी माताजी को रोने मत देना, क्योंकि माँ बाप का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है और जो लोग माँ बाप को परेशान करते हैं, वो लोग अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाते। आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं इसी तरह आपको इंस्पायर करता रहूँगा। टेक केयर, गुड बाय।